तो मेंटल मैथ क्लास 10th, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ विद हरी सर। और आज हम इस सीरीज में कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ, अच्छी रैंक लेके आएँ। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके सामने, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ एम एंड एन आर टू प्राइम नंबर्स। ये दो कोई प्राइम नंबर है बच्चों। प्राइम नंबर है मीन्स ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में ना आए वो प्राइम नंबर होते हैं। देन फाइंड एच सी एफ एम एन, ठीक है, एम एन यानी कि अगर आप टू प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे टू और थ्री ले लिया, ठीक है, या टू और फाइव ले लिया, इस तरीके के अगर कोई प्राइम नंबर हो उनका एच सी एफ हमेशा कितना होता है बच्चों, वन होता है। एच सी एफ कितना होता है बच्चों, वन होता है, ठीक है ना, वन होता है। और यहाँ पर भी ये कहा है कि एम एन क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो एच सी एफ कितना होगा बच्चों, वन होगा, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि अगर कोई टू कंटिन्यू नंबर आते हैं, जैसे टू थ्री आ गया, ठीक है, फोर फाइव आ गया या सेवन एट आ गया, ऐसे कंटिन्यू नंबर का भी एच सी एफ कितना होगा बच्चों, वन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा है कि प्राइम नंबर है, वो तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एच सी एफ हमेशा कितना होता है, वन होता है। तो एम एन का भी एच सी एफ कितना होगा, वन होगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखो, इफ एम एंड एन आर टू प्राइम नंबर्स, ये टू प्राइम नंबर है, ठीक है, देन एल सी एम, तो हमें एल सी एम फाइंड आउट करना है। अब बच्चों एल सी एम फाइंड आउट करना है तो ये याद रखिए, प्राइम नंबर का एल सी एम हमेशा उनका मल्टीपल्स होता है, ठीक है। प्राइम नंबर का एल सी एम हमेशा क्या होता है, उनका मल्टीपल होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे टू और थ्री है तो उसका एल सी एम क्या होगा, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दे, वही आपका एल सी एम हो जाएगा। और नंबर ले लेते हैं, जैसे फाइव और सेवन ले लेते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका एल सी एम क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एल सी एम होगा। ठीक इसी प्रकार एम और एन का, ठीक है, एम और एन का ये प्राइम नंबर है, तो इनका एल सी एम कितना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एम एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, तो याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, प्राइम नंबर का एच सी एफ हमेशा वन होता है और प्राइम नंबर का एल सी एम हमेशा क्या होता है बच्चों, उनका मल्टीपल्स होता है। प्राइम नंबर को आप मल्टीपल्स कर सकते हैं, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए कहता है फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी जो स्वयं के अलावा किसी और भी टेबल में आता हो वो कंपोजिट होता नंबर होता, तो कंपोजिट नंबर हो गया बच्चों फोर हो गया वो, तो ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम काउंटिंग लिखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से, तो कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट ये है, ये वन टू थ्री ये तो स्वयं की टेबल में आएंगे और किसी टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर उसके बाद आता है ये आ गया सिक्स आ गया, फिर एट आ गया, फिर टेन आ गया, ये नाइन भी आ गया, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका, फोर है, ठीक है ना। आगे कहता है एंड सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, और सिंगल डिजिट का, ठीक है, जैसे वन टू इसमें तो टू डिजिट आ गए, सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो किसी की टेबल में ना है, भाई नाइन तो आता है, थ्री में आता है, नाइन में आता है, एट भी आता है, ठीक है ना, टू की फोर की में एट की में, तो वो लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, ये सेवन होगा, ये किसी की टेबल में नहीं आएगा, स्वयं को अगर सेवन की टेबल छोड़ दे तो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ सिंगल डिजिट, कितना होगा बच्चों, सेवन होगा। अब क्या करना है, एच सी एफ फाइंड आउट करना है बच्चों, क्या करना है, एच सी एफ फाइंड आउट करना है। अब बच्चों एच सी एफ अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, एच सी एफ अगर एक तरफ प्राइम नंबर है और एक तरफ कोई भी नंबर हो,
ठीक है, तो उनका HCF हमेशा कितना होगा बच्चों, हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा HCF। LCM क्या होगा? LCM अब फिर वही आ गई, अगर एक तरफ कोई भी नंबर आए, कोई भी नंबर आए, ठीक है, यहाँ पे 4 है, कुछ भी नंबर आ सकता है, 8, 9, 10 या 120, कैसा भी नंबर आ सकता हो। और दूसरी तरफ क्या आए? प्राइम नंबर आए, दूसरी तरफ क्या आए? प्राइम नंबर आए, वो भी सिंगल डिजिट का है इसमें, तो इन दोनों का मल्टीपल ही क्या होगा? LCM हो जाएगा। तो 28 आपका क्या होगा? LCM, और HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखो, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आइए इसको करना शुरू करते हैं, बहुत ही ईजी है। अब ध्यान से देखा, 199 है इधर, 201 है, ठीक है ना। अगर हम 199 को अगर हम लिख ले 200 माइनस 1, ठीक है, 200 माइनस 1 कर दे, तो 1 इसको सोल्व करें तो 199 आ जाएगा ना। अच्छा, इधर लिखा है 201, तो इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये प्लस 1 है ही। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये संख्या लिखिए a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, और ये इक्वल होता है बच्चों a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो आइए करते हैं, तो हमें क्या करना है, ये ठीक है, यहाँ पर a क्या हो गया 200, b क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या लिखा a स्क्वेयर यानी 200 स्क्वेयर इस तरीके से, ठीक है, और माइनस बी स्क्वेयर, बी क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वेयर, और ये प्लस 1 तो इधर लिखना ही है, ठीक है। आइए करते हैं आगे। अब बच्चों 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 200 की पावर कितनी है, 2 है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम्स इसको लिख दो इस तरीके से, ऐसे आप लिख दो, ठीक है, ये माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है, ये तो माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गए। अब क्योंकि रूट का साइन है, तो रूट के साइन में पेयर बन रहा है ऑलरेडी, तो इस पेयर में से 1 नंबर आप निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका स्क्वायर रूट निकल आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है, आइए इसको भी कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पर लिखा है, देखो रूट के साइन दिया हुआ है, 999 लिखा है, अगर हम इसको 999 को 1000 माइनस 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और इसको लिख दे 1000 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से, और प्लस 1, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से फॉर्मूला में हम इसको रख सकते हैं, फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, देखो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया ना, वही सेम नंबर है, तो ये इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये प्लस 1 है ही, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है, आइए कर लेते हैं। अब ये पावर कितनी है 2, तो इसको 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, या दोनों ब्रैकेट में लिख दो, या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख दो, ये माइनस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस हो गए, और इस पेयर में से क्योंकि रूट निकालना, तो पेयर में से 1 नंबर आप बाहर निकाल लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो, फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, ठीक है। अब ये है, यानी हमें बताना है, कोई भी नंबर होता ना, मान लो जैसे इसे ये कोई नंबर है यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वो होता वन प्लेस, इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट, यहाँ पर कितना नंबर आएगा अगर इसको सोल्व करें। तो अगर आप 7 की पावर 2019 दी हुई है, इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो दिया है ना 2019, इसको आपको ना 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी डिजिट होता है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी 4 डिजिट वो रिपीट हो जाता है वो डिजिट, ठीक है ना, इसलिए 4 से करते हैं। तो 4 ये मैंने इस टॉपिक के ऊपर, आप मेरे चैनल पर जाएंगे ना, तो मैंने इसको काफ़ी विस्तार से काफ़ी एक्सप्लेन करके इसको समझाया गया है। देखो यहाँ पे फिर भी बताता हूँ, तो 4 की टेबल लेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है, आगे 1 आ गया, टेबल नहीं चली, 0 लगा देंगे यहाँ पर, 4 4 जा 16 हो गया, तो कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा ना, ये 7 की पावर ये लगा देंगे, ठीक है, इसी प्रकार 3, क्योंकि
यहाँ पर सेम नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो इसकी पावर भी हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, आप 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इजी हो जाता है, 7 × 7 × 7। ठीक है, और यहाँ पर 3 × 3 × 3 इस तरीके से, तो 7 × 7 जो होता है 49, और 49 को 7 से करेंगे तो 343 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। ठीक है, अब पूरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ ये नंबर लीजिए, 1 प्लस वाला इधर ही है, 1 प्लस वाला, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दे तो 7 × 3 = कितना होता है, 21। अब देखो बच्चों 1 प्लस पर क्या डिजिट आया, यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आ रहा है, 1, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके की वीडियो काफ़ी वीडियो बन डाल चुका हूँ मैं, तो आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। इसमें भी वही करना है, यूनिट प्लेस पर यानी आपके 1 प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप जरा स्किप ना करें, देखें ध्यान से। देखो बच्चों इस तरीके हमारे पास 2 टर्म आ गए, एक तो ये मल्टीप्लाई में और एक ये हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कॉमन नंबर ले लेना, तो 11 कॉमन नंबर ले लेंगे हम इसमें से, यहाँ पर ब्रैकेट डालिए, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 11 × 4 = 44, तो 4 की पावर 11 बच गई। ठीक है, यहाँ पर 6 की पावर 11 बच गई, और यहाँ पर 9 की पावर क्या बच गई, 11 बच गई, और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ठीक है, इस तरीके से अब 11, ठीक है, अब 4 को पावर 11 है, अब वही करना है आपको, 11 को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 4 × 2 = 8। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 3, तो आप इसकी जगह 4 की पावर 3 लिखें, क्योंकि 4 से डिवाइड करें तो 6 की पावर 3 लिखें, 9 की पावर 3 लिखें, और +1 कर दें। ठीक है, आगे देखो, अब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 4 देखो 4 × 4 × 4 ऐसे, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया, 6 को अगर आप कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो इसके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 6 ही आएगा, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी अगर देखेंगे तो 6 × 6 = 36, 36 को 6 से किया, 6 × 6 = 36, 6 × 18 = 21, तो ये आ जाएगा, चाहे तो आप इसको पूरा लिख ले। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 × 9, 9 × 9 = 81, 81 को 9 से करेंगे तो 9 × 1 = 9 आ जाएगा, और 9 × 8 = 72 आ जाएगा, और +1 इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बच्चों ये यूनिट डिजिट लेनी है, आपको बस ये यूनिट डिजिट लेनी है। ठीक है, यहाँ पर इधर बता देता हूँ, 11, ये तो 11 यूँ कहीं, 4 की टेबल 6 पे लेंगे, 4 × 6 = कितना होता है बच्चों, 24 होता है। ठीक है, इंटू अगर बड़ा लगे तो इस तरीके से कर लीजिए, और +1। ठीक है, आगे कर लेते हैं 11, यहाँ पर तो मैं इसको दूसरे पेज पर मैं बता देता हूँ, जगह कम है। ठीक है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, ये देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये देखो 11, और यहाँ पर आएगा 24 × 9 + 1। ठीक है, अब देखो 9 × 4 = कितना होता है, बट 10 डिजिट को छोड़ो, 9 × 4 = इनको मल्टीप्लाई करो, 36। ठीक है, और +1, तो अब क्या करना है, 36 में 1 + कर दो तो कितना आ जाएगा, 11, यहाँ पर 11 × अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, क्योंकि डिजिट और ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई 36 + 1 = 37, हमें लेना यूनिट डिजिट खाली, और यहाँ पर तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आएगा, तो बच्चों ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये तो एक्सप्लेन किया तो इसलिए टाइम लगा, आप इसको बच्चों ध्यान से देखिए, वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ज़रूर आएगी, फिर भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। अब ये कैसे करना है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। अब ये जो नंबर गिवन है इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों दिमाग खराब हो जाएगा, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यही सोचते रहेंगे, लेकिन आपको इसके लिए एक ट्रिक यूज करनी है। अब आप ध्यान से देखो, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ सॉरी 4 की पावर 5 है, ये 6 है, ये गलत हो गया, यहाँ पर 7। ठीक है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये है।
अब बच्चों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप देख रहे हैं कि 4 की पावर किस में आ रही है, ओड नंबर में आ रही है, किस में आ रही है ओड नंबर में, और 9 की पावर किस में आ रही है, यहाँ पर 2, 9 की पावर 4 और 9 की पावर 6 ये आ रही है इवन नंबर में। ठीक है, आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखो, 4 को अगर 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 ही रहेगा, 4 को अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि पावर किस में है ओड नंबर में, तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64, फिर भी क्या आया यहाँ पर, क्या आया 4 आया यूनिट प्लेस पर, यहाँ भी आ रहा है। अब 9 का भी देख लेते हैं, 9 में अगर हम यहाँ पर 9 की पावर 2 करें यानी 9 इंटू 9 कर दे तो क्या आता है 81 आता है। ठीक है, और 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 टाइम्स करने पर 81 आया, 2 टाइम्स और करने पर 81 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा ना यूनिट प्लेस पर। ठीक है, 4 टाइम्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इधर कोई भी नंबर आए लेकिन यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 1 आएगा। आप ये नंबर लिखे हैं बच्चों, ये नंबर आपके लिखे हैं कितने 100 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 4 वाले जो मल्टीपल्स है वो भी 50 टाइम्स है और 9 वाले मल्टीपल्स भी 50 टाइम्स है, यानी 50 पेयर बन रही है अगर इस नंबर को हम देखें। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, इस तरीके से, ठीक है ना, एक पेयर ले लेना है और एक पेयर और ले लेना है, एक पेयर ये ले लिया और एक पेयर और ले लेना है आपको, ठीक है ना, एक पेयर और ले लेना है यहाँ पर मैं इस तरीके से, बस ज़्यादा नहीं करना भाई, ये पेयर लिया भाई, इनको मत कीजिए, आप इसी को कर लीजिए ना, इनको मत करो, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, आप इसके दो भाई 50 पेयर बनेंगे हमारे यहाँ पर, अगर पेयर बनाए तो 50 बनेंगे, तो उसमें से क्या करना है आपको 2 पेयर लेने, बस एक पेयर ये लिया, इसी को एक बार और कर ले, या ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको भी ले ले, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 4 ही आता है, कितना आता है 4 आता है, अगर आप चाहे तो इसको लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं 4 की पावर 3 और 4 की पावर 9 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, 4 का तो 4 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। ठीक है, तो 4 1 जा कितना आया 4 आया, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है, 4 8 जा 32 लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा बच्चों ये, और 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 को 81 से आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 1 जा 1 1 8 जा 8, इस तरीके से 8 1 जा 8 8 8 जा 64। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 16 और 5 और 6 ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किसका लिखना है, अरे ये लिखना था यहाँ पर, चलो यहीं पे लिख देते हैं 6 5 और 6 1। ठीक है, ऐसे यही आए ना, हाँ। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें तो यूनिट डिजिट देखना है, 4 1 जा 4 4 ही आएगा ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, अब यूनिट डिजिट पे क्या है 6, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है, अब भी ये वीडियो डाल दी क्योंकि न्यू मेंटल मैथ में है ये क्वेश्चन, तो एक बार समझ में ना दोबारा देखे, दोबारा ना तीसरी बार देखे, मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2xy की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फाइंड जो करना है 2xy। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर 510, यहाँ पर 1020 है, इसके फैक्टर किए 510 और आ गया 2। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर फिर फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम 255 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 और 1 5, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब बच्चों यहाँ पर दिया हुआ 3, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो ये जो 3 दिया हो ना, तो इसको 255 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप पता चल जाएगा 3 8 जा 24। ठीक है ना,
यहाँ पे आ गया वन, यहाँ फाइव, थ्री फाइव या फिफ्टीन, तो 85 आएगा इधर। y की वैल्यू क्या होगी, 85 होगी। आपको क्या करना है, 2xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 2 इंटू टू, एक्स की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू, ठीक है। 2 जा 4, 4 इंटू 85 आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, ठीक है, कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, बहुत ही आसान है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये भी बड़ा ईजी है। यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x बाई, ठीक है, x बाई वाई होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी फिर वही है, ठीक है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यहाँ पे क्या आ गया 3, 3 जो कितना होता है 9, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी 9। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 3 जो 27 आ गया, अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, x की वैल्यू क्या है 54 और y की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, और होल स्क्वायर, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 6 की पावर 2 और यानी सॉरी 2 और 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से एक बार फिर बताता हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन आता तो आप थोड़ा पैटर्न पे ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पे 3, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। अब यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और बच्चों अच्छी रैंक लेके आनी है। मेरा तो यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अभी से कीजिए, प्रैक्टिस अभी से कीजिए ताकि जब भी क्विज हो या आप एग्जाम में जाएं तो ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, अदरवाइज आपके काफ़ी आपके लिए काफ़ी मुसीबत हो सकती है कि एकदम इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।